दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप में कैसे देख सकते हैं कि गूगल क्रोम में कौन कौन से पासवर्ड सेव्ड हैं। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने पे आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे आपको साइड में थ्री डॉट्स दिखेंगी, आप इस पर क्लिक करिए। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा नीचे की साइड, आप इस पर क्लिक करिए। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको नया इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड ये ऑटो फिल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप ऑटो फिल पर क्लिक करेंगे तो इधर साइड आपको तीन नए ऑप्शंस दिखेंगे, आपको क्लिक करना है पासवर्ड्स पर। जैसे ही आप पासवर्ड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे सेव्ड पासवर्ड दिख जाएगा। इस टाइप से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपके में जितने भी पासवर्ड सेव्ड होंगे आपको दिख जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई पासवर्ड हटाना है, रिमूव करना है, वो सेव ना रहे यहाँ पे, तो साइड में डॉट पर क्लिक करिए, थ्री डॉट्स पर, और यहाँ पर रिमूव पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रिमूव पर क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, सेव था वो, सेव्ड पासवर्ड हट जाएगा। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।